सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज़ मैं बहुत बिजी थी। पहले मैं डे शिफ्ट करती थी, अभी मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ। सो नाइट शिफ्ट का ये है कि रात को काम करो और दिन में सोते रहो, और सोकर उठो, खाना बनाओ, हस्बैंड जाते हैं उनको खाना पैक करके दो, जब तक वो जाते हैं तब तक मेरा टाइम हो जाता है। सो उसी चक्कर में मुझे टाइम नहीं लगता। और मेरी 4-5 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, मैंने बना के रखी हुई हैं, एडिटिंग करनी है, बट मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा। सो मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो बनाती हूँ, लाइक शॉर्ट सी, ज़्यादा लंबी ना हो, बिकॉज आई नो कि मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे रेगुलर। मैंने पहले भी बोला था कि मे बी मैं बिज़ी हो जाऊँ, सो आई एम सो बिज़ी राइट नाउ बिकॉज शिफ्ट चेंज हुई है, तभी मुझे थोड़ा मैनेज करने में भी दिक्कत होगी। और हम लोग जो है वो बेसमेंट चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इन नेक्स्ट 2 वीक्स आई नो, बिकॉज सारा सामान पैक करना है, लेकर जाना है, इतनी ईजी नहीं होती है पैकिंग। मैं कैमलुक से आई थी तो मेरे पास इतना लगेज था, अभी 3 जन है, हम लोग तीनों जन का है सामान। सो वो अभी हम लोग को शिफ्ट करना है, 1 सितंबर को हम लोग मूव हो जाएंगे। सो टुडे इज़ आई थिंक 21 or 22 अगस्त है, मुझे पता नहीं है। जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक है सर्वाइविंग टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। सो बहुत सारे टिप्स हैं, लाइक मेरे एक्सपीरियंस के जो अकॉर्डिंग है वो ही मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज हर किसी के अपने अपने टिप्स हैं और अपने अपने लाइक किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की, किस तरह उन्होंने उस स्ट्रगल को टैकल किया और वो लोग अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े। सो मैं जो बताऊंगी वो मेरे अकॉर्डिंग है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, मुझे अच्छा लग रहा था, फिर मुझे धूप में गर्मी लग रही है बड़ी और मैं छाँव में बैठी हूँ। सो जो पहला टिप है वो है कि डोंट ट्रस्ट टू मैनी पीपल्स। लाइक अगर आप किसी को फ्रेंड बनाना चाहते हो तो सिर्फ किसी एक या दो जन पे यकीन करो, बिकॉज आप जितना ज़्यादा यकीन करोगे लोगों पर, जितनी ज़्यादा ना ही आपको ज़्यादा हर्ट होने के चांसेस हैं। बिकॉज अगर आप एक दो जन पे ही यकीन करते हो, उन्हीं के ज़्यादा क्लोज हो, आप उनको पता होगा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको पता होगा उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सो दे आर नॉट गोइंग टू मिस यूज़ योर इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट यू। लाइक समटाइम यहाँ पर हर कोई जो है वो रिलेशन बनाता है अपने मतलब के लिए, बिना मतलब के कोई भी आपसे रिलेशन नहीं बनाता। बहुत कम लोग हैं जो बिना मतलब कि आपके साथ रिलेशंस बनाएंगे, लाइक आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, आपके साथ सब रिलेशंस बनाएंगे, टाइम पास के लिए बनाएंगे, देन जब उनका काम निकल गया तो कौन और मैं कौन। इसीलिए बहुत कम लोगों पे ट्रस्ट करो, स्पेशली जो लोग लाइक प्लस टू पास आउट होते हैं वो लोग सीधे कनाडा आ जाते हैं, बिकॉज उन लोगों ने बाहर की दुनिया नहीं देखी होती है। कुछ लोग लाइक मैच्योर होते हैं आफ्टर प्लस टू भी, बट कुछ इतने मैच्योर नहीं होते, दे थिंक कि जैसे हम हैं वैसा ही सामने वाला है, बट ऐसा नहीं है भाई। हर किसी के पास अपना मोटिव है और बहुत सारे लोग हैं जो फेक हैं, आपका लाइक मिसयूज़ कर सकते हैं। सो मेरा यही टिप है यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, डोंट ट्रस्ट टू मैनी पीपल, डोंट ट्रस्ट पीपल ईजीली। सो मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, अंजलि, और आई थिंक लाइफ में आगे भी मैं उससे बात करना चाहूँगी, आगे भी हमारे जो रिलेशंस हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे। सो डोंट ट्रस्ट टू मैनी पीपल। सो द सेकेंड टिप इज़ अबाउट योर रिलेटिव्स। लाइक हर किसी की लाइफ में अच्छे रिलेटिव्स भी हैं और बुरे भी हैं, जिनकी टांग खींचते हैं, पीछे को खींचते हैं, उनको डीमोटिवेट करते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि आप जब तक स्टूडेंट हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप उनसे बात कम ही कीजिए या ना ही कीजिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप पता नहीं कौन से स्टेट ऑफ माइंड पे होते हो, और अगर उनका कॉल आ गया या आप कॉल कर दी और उन्होंने कोई ऐसी तीखी बात कर दी ना, तो वो बहुत चुभती है, और हम लोग लाइक उसी से एंजाइटी, उसी से डिप्रेशन, बड़ा कुछ हो जाता है बच्चों को यहाँ पे। सो मैं यही प्रेफर करूँगी, आप उनको कॉल कीजिए, अपने रिलेटिव्स को जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो बोलते हैं कि ये करो, वो करो, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाओ। हर किसी को पता होता है कि उसके कौन से रिलेटिव्स अच्छे हैं, कौन से लाइक उनकी टांग खींचते हैं या डीमोटिवेट करते हैं। सो ये अप टू यू, बट आई थिंक दैट इज़ गुड अगर आप ना ही कॉल करो उनको। सो नेक्स्ट वन इज़ फॉर फैमिली। लाइक हम लोग जो हमारे पेरेंट्स हैं जो इंडिया में हैं, आप अपने बच्चों को हर एक छोटी चीज़ ना बताएं कि लाइक घर पे ये हुआ, तेरी मम्मी ने ये किया, तेरे पापा ने ये किया। स्पेशली मम्मियाँ जो होती हैं ना वो बड़ी जल्दी बताती हैं, तेरी ना पापा ने ये कर दिया, तेरी ना बहन ने ये कर दिया। आप हर छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को ना बताएं जो घर से दूर है। लाइक ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ कनाडा में है, किसी भी कंट्री में है, बिकॉज बच्चे यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताते हैं कि वो कौन सी कंडीशन में है या वो क्या फेस कर रहे हैं। सो कभी आपका कॉल आए और वो लोग लाइक बहुत आगे से ही परेशान हो और आपकी बात सुन के वो और परेशान हो जाए, सो ज़्यादा तकलीफ़ बच्चों को होगी, और अगर बच्चों को तकलीफ़ होगी तो पेरेंट्स को तकलीफ़ होगी। सो ये ध्यान रखिए कि आप छोटी छोटी बातें जो हैं घर की अपने बच्चों को ना बताएँ जो घर से दूर है।
फोर्थ स्टेप, आप लोग अपनी जो डाइट है उसको रेगुलर रखें, स्किप ना करें कि चलो मैं ये ब्रेकफास्ट नहीं करता, लंच नहीं करता, डिनर नहीं करता, बाहर से मंगवा लेते हैं। एक दिन ठीक है, दो दिन ठीक है, बट अगर आप रेगुलर करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। यहाँ पे संभालने वाला आपको कोई नहीं है, ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको याद रखनी चाहिए। सो अपनी जो डाइट है वो प्रॉपर रखो, स्किप मत करो। हो सके तो आई नो कभी कभी होता है आप रश में होते हो, बट ट्राई, लाइक हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं ना कि हम लोग प्रॉपर खाना खाएं। बिकॉज अगर आप लाइक खाना प्रॉपर नहीं खाओगे, आप पढ़ाई नहीं कर सकोगे, काम नहीं कर सकोगे, पैसे नहीं कमा सकोगे। सो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप इज आप लोग ज़्यादा पैसे मत वेस्ट कीजिए। जब बच्चे इंडिया से आते हैं सो उनको $2,000 जो है वो GIC मिलता है। सो आप ये ना करें कि मुझे GIC मिल गया है तो मैं एप्पल का फ़ोन खरीद लूँ, एप्पल की वॉच खरीद लूँ, आईपॉड खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ। आपने यहीं पे रहना है सारी उम्र, आपके पास बहुत टाइम है सब कुछ खरीदने के लिए। सो हो सके तो अपने वो $2,000 जो है वो सेव कीजिए, और आगे भी जब आप लाइक आपको काम मिलता है, आपको पैसे मिलते हैं तो अपने पैसे सेव कीजिए। अगर अपनी फैमिली को भेजने हैं उनको भेजिए, बट पैसे जो हैं वो गैजेट्स पे मत वेस्ट कीजिए, कपड़ों पे मत वेस्ट कीजिए, कंप्यूटर पे मत वेस्ट कीजिए। बिकॉज आप जब यहाँ पे रहोगे आपको जो चाहिए वो आहिस्ता आहिस्ता ले सकते हो, तो ऐसा नहीं कि आप इंडिया से आकर एक साथ सब कुछ खरीद लो। और स्पेशली लड़कियाँ जो होती हैं उनके पास जितना मर्जी ढेर लगा हो कपड़ों का, पर उन्होंने नए कपड़े जो हैं वो लेकर आने ही आने हैं। सो कोशिश कीजिए कि ऐसे पैसे जो हैं वो वेस्ट ना करें। बिकॉज जब आप अपना अपना वर्क परमिट अप्लाई करना है, आपको अपना वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए पैसे चाहिए, फिर आपको अपना IELTS का एग्ज़ाम देना है उसके लिए पैसे चाहिए, अगर आपने 2-3 बार एग्ज़ाम देना है, नहीं मार्क्स आए हैं उसके लिए पैसे चाहिए, तो फ्यूचर जो है वो प्लानिंग कर कर सेव कीजिए पैसे कि आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे खर्चे बढ़ने वाले हैं। डोंट वेस्ट योर मनी ऑन अनवांटेड थिंग्स, बिकॉज आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ रही है। लाइक मैंने थोड़ी सी सेविंग की थी, मेरे हस्बैंड ने की थी, लाइक मुझे IELTS का एग्ज़ाम देना है, मुझे ड्राइविंग टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, बहुत सारे हैं खर्चे। बिकॉज सारे खर्चे जो है ना वो 100 के ऊपर हैं, कोई भी 100 के नीचे नहीं है, लाइक 300-400 इतने के हैं। अभी एग्ज़ाम, अगर आपने एग्ज़ाम बुक करना है सो आई थिंक $361 का ड्राइविंग टेस्ट बुक होता है। अगर आपने पहली बार में क्लियर नहीं किया, आप 2 बार दोगे 3 बार दोगे उसके लिए पैसे होंगे तो आप दोगे ना। सो इसीलिए अपने जो है पैसे बचा कर रखो। लोग कितनी अच्छी धूप लगी है, और रोज़ बारिश हो जाती है, आज 2 दिन से धूप लग रही है, आई एम सो हैप्पी, बट मुझे मौका नहीं मिलता ये सीखने का। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं भूल गई थी बताना, आप हर रोज़ अपने पेरेंट्स को फ़ोन कीजिए, अपनी फैमिली को फ़ोन कीजिए। बिकॉज अगर आप किसी मुसीबत में हो, कई बार वो ऐसी बात करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे कि आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, आप इंस्पायर होंगे। सो आप उनको डेली बेसिस पे फ़ोन कीजिए। आई नो जब आप लोग यहाँ पे आते हो तो कुछ लोग तो डेली फ़ोन करते हैं, बट कुछ लोग जो होते हैं वो डेली फ़ोन नहीं करते हैं। लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एक बार हम लोग बात कर रहे थे तो दे सेड कि हम लोग तो महीना महीना घर पे फ़ोन नहीं करते हैं, क्या बात करें, हर बार वही बात होती है। सो दैट्स नॉट लाइक दैट कि हर बार वही बात होती है, बिकॉज़ वो लोग हमारे पेरेंट्स हैं। इस एज में आके वो लोग हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग उनकी केयर करें या जो भी हैं, हम इतनी दूर बैठे हैं, अगर हम लोग एक एक महीना कॉल नहीं करेंगे उनको सो वो लोग परेशान हो जाएंगे। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सो कोशिश कीजिए कि उनको डेली बेसिस पे फ़ोन कीजिए। अगर आप डेली नहीं कर सकते एटलीस्ट एक दिन छोड़ के कीजिए, बट कीजिए ज़रूर, ये नहीं है कि कॉल नहीं करनी है। सो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज फैमिली जो होती है आपकी स्ट्रेंथ होती है, और अगर आप किसी भी मुसीबत में हो वो हमेशा हमेशा, लाइक अगर आपने कुछ गलत भी किया ना तो भी आपके साथ हैं। सो उनको मत भूलिए। सर ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ आप लोगों को पता है कि क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बताना है कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ अगर आपको कुछ पूछना है या कोई भी चीज़ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर मुझे उस चीज़ के बारे में पता है सो आई विल डेफिनेटली टेल यू, अगर मुझे कोई आइडिया नहीं है तो मैं आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ट्राई करूँगी जल्द से जल्द। Bye.